नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी और यात्रा करने की बात होती है, नई नई जगहों पर जाने की बात होती है, तो हमारा मन अनायास ही एक बहुत ही अद्भुत अंदर से खुशी से भर जाता है। ठीक है, क्योंकि नई नई जगह और घूमना फिरना देखना सभी बंदों को बहुत ही पसंद है। लेकिन हम किसी भी नई जगह जाने से पहले उस जगह जाने की जो हम प्लानिंग करते हैं, तो हम उस जगह के आकर्षण के वजह से या उस जगह के महत्व की वजह से प्लानिंग नहीं करते हैं, जबकि हम उस जगह की प्लानिंग करते हैं उस जगह जाने वाले समय में लगने पर। क्योंकि देखिए, हम सभी क्या है ना, नौकरी पेशा लोग हैं, तो जो भी हमें हमारी और नौकरी से समय बचता है और हम किसी नई जगह घूमना जाना चाहते हैं, तो हम प्लानिंग में देखते हैं कि हम उस जगह पहुंचेंगे तो हमें कितना समय लगेगा। ठीक है, अब मान के चलिए हमें दिल्ली से चेन्नई जाना है, हम ट्रेन से जाएं तो हमें 36 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसी जगहों के प्लान को हम पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, अरे यार रहने दो, इतनी दूर कौन ट्रेन से जाएगा। और अगर हम जल्दी जाना चाहें तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हवाई जहाज, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा किराया लगता है। तो इस वजह से भी हम अपने जो और घूमने फिरने के जो प्लान हैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों, मान के चलिए अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जो आपको पलक झपकते ही भारत के एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा दे, और वो भी बहुत ही कम लागत में, तो कैसा रहेगा? आप सोचिए, आपके जीवन का, आपके घूमने फिरने का, आपकी यात्रा का पूरा अंदाज ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसे हम हाइपरलूप ट्रेन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इतनी और अद्भुत टेक्नोलॉजी है कि आप मान के चलिए दिल्ली से मुंबई जाने में आपको मात्र 70 मिनट ही लगेंगे। और अगर आप पूरे भारत की बात करें, आपको सपोज भारत के एक छोर श्रीनगर से और दूसरे छोर कन्याकुमारी तक जाना है, तो आप केवल 3 घंटे में भारत के एक छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी है और इसके आने से हमारे जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। हाइपरलूप, तो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा जरिया है जिसे हम पब्लिक के लिए और गुड्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1799 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि उसके बाद इस पर और इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने उतना काम नहीं किया, तो हम इसको अमली जामा नहीं पहुंचा पाए और कमर्शियली लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, अब रिसेंटली हम इस पर बात करें तो जो टेस्ला के CEO हैं मिस्टर एलन मस्क, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत आदमी हैं, और अगर हम कहें तो और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, जिन्होंने खुद अपने आप चीज़ें सीख सीख कर जो जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना नाम खड़ा किया है, वो बहुत ही और प्रणाम करने योग्य है। ठीक है, तो उन्होंने रिसेंटली इस हाइपरलूप ट्रेन के बारे में और दुनिया को बताया कि जो उनकी कंपनी है टेस्ला, वो उसमें कदम रखने जा रही है। अब जैसा कि ये हाइपरलूप का जो कॉन्सेप्ट है, ये पेटेंटेड नहीं है। ठीक है, तो भैया आपके पास पैसा है, आप लूप बिछा सकते हैं, उसमें पॉड चला सकते हैं, तो आप चलाइए। ठीक है, जैसा कि ये पेटेंटेड नहीं है, तो इसको कोई भी इसमें इन्वेस्ट करके और हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को वो चला सकता है। तो अब दोस्तों समझिए, हाइपरलूप जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके क्या सब डिविजन्स होते हैं। तो देखिए, हाइपरलूप जो ट्रेन है, इसकी तीन मेन चीज़ें होती हैं। पहला तो है ट्यूब। ट्यूब क्या है? ट्यूब वो एक तरीके का पाइप मान लीजिए, जिसमें जो ये ट्रेन है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, अब आपको हाइपरलूप जो ट्रेन चलाना है, जहाँ से जहाँ तक भी चलाना है, ठीक है, जहाँ से जहाँ तक भी आपने ट्रेन चलाना है, वहाँ तक आपको ये जो है ट्यूब्स मतलब बिछाने पड़ेंगे, उसके अंदर ही ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, वो है पॉड। पॉड क्या होता है? पॉड एक तरीके की ट्रेन है जो उस लूप के अंदर में चलेगी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों? तीसरी चीज़ है आपकी और टर्मिनल्स। टर्मिनल्स को आप हिंदी भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरीके का मेट्रो स्टेशन। तो टर्मिनल ही वो जगह है जहाँ से बंदा इस हाइपरलूप ट्रेन में चढ़ेगा और अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वहाँ से उतरेगा। ठीक है, तो ये इसके 3 सब डिवीज़न हो गए। अब ये ट्रेन काम कैसे करती है? तो देखिए, ये जो ट्रेन है, ये मैग्नेटिक प्रोपल्सन के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक प्रोपल्सन को यूज़ करते हुए किस तरह से ट्रेन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और हमें झट से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देती है, इसको हम वीडियो में आगे समझते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है हाइपरलूप ट्रेन में ऐसे विज्ञान के कौन से 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको ओवर रूल करके ट्रेन 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पा लेती है और हमें पलक झपकते ही यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है।
तो दोस्तों हाइपरलूप ट्रेन में विज्ञान के दो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको इलेमिनेट करके हम 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पा सकते हैं। तो वो दो प्रिंसिपल कौन से हैं? तो देखिए, पहला प्रिंसिपल है ड्रैग। तो ड्रैग क्या है? ड्रैग वो फोर्स है जब आप अपनी कार चलाते हैं तो आगे से जो हवा का दबाव है उसको क्या है, पीछे धकेलता है। ठीक है, जैसे आप कार चलाएंगे, आप कार का शीशा खोलिए, आप उससे हाथ बाहर निकालिए, तो आपका हाथ अपने आप ही पीछे की तरफ जाएगा। तो इसी को हम ड्रैग कहते हैं। ठीक है, और इस ड्रैग को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने गाड़ी को और स्पीड देनी पड़ती है, एक्सीलरेट करना पड़ता है, सो दैट आपकी स्पीड उस ड्रैग के फोर्स को और नलीफाई करके आगे निकल जाए। ठीक है, तो ये पहला फोर्स होता है। दूसरा फोर्स क्या होता है? दूसरा फोर्स होता है दोस्तों फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? तो जैसा कि गाड़ी में टायर होते हैं, तो वो जो टायर हैं वो रोड पर दौड़ते हैं और वो भी क्या है ना, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। तो अब क्या है, गाड़ी आपकी जैसे रोड पर चल रही है और अगर आप क्या है ना बराबर स्पीड नहीं देंगे तो क्या है, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी आपकी कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी। तो ये दूसरा फोर्स होता है जो कि हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकता है। और दोस्तों दोनों ही फोर्सेस की वजह से, ड्रैग की वजह से, फोर्स की वजह से हमारी गाड़ी का बहुत सारा फ्यूल एक्सपेंसेस वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी यात्रा करने के दौरान खर्चा करना पड़ता है। तो देखिए, जैसे हमने फ्रिक्शन और ड्रैग के बारे में इससे पहले समझा, तो देखिए फ्रिक्शन जो है कैसे ख़त्म होता है। तो जो हाइपरलूप जो और ट्रेन होती है, इसमें जो पॉड और लूप के अंदर चलती है उसमें ना व्हील्स नहीं होते, व्हील्स माने पहिए नहीं होते। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब इसमें पहिए नहीं होते तो ट्रेन और जो है लूप के अंदर ट्रेवल कैसे करती है भैया, बिना पहियों के और ट्रेन जाती कैसे आगे? तो देखिए, वो जो है मैग्नेटिक प्रोपल्शन के सिद्धांत पर काम करती है। मैग्नेटिक प्रोपल्शन क्या होता है? तो देखिए, आपने जब छोटे होंगे तब मैग्नेट्स को आपस में देखा होगा, तो आप क्या करते थे, देखिए जब आप क्या करते थे, मैग्नेट्स के जो डिफरेंट एंड हैं उनको आप चिपकाते थे। जैसे आपने नॉर्थ और साउथ को चिपकाया तो वो आपस में चिपक जाते थे। ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्थ नॉर्थ को पास ले आते थे तो वो चिपकते नहीं थे, वो एक दूसरे को ना और रिपेल करते थे, एक दूसरे से दूर भागते थे। चाहे नॉर्थ नॉर्थ को आप करें तो दूर भागेंगे, साउथ साउथ को आप पास करें तो दूर भागेंगे। और बस इसी सिद्धांत पर हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन काम करती है। तो इसमें इंजीनियर्स ने क्या किया है, इसमें जो उसकी और लूप है, ठीक है, जो ट्यूब है उसको या तो नॉर्थ नॉर्थ की बना दो, ठीक है, और जो उसकी पॉड है उसको भी नॉर्थ की बना दो, या फिर दोनों को आप साउथ को बना दो। तो ऐसा होने से क्या है, पॉड हवा में, पॉड जो है और लूप में एक तरीके से तैरने लगेगी, क्योंकि वो क्या है, चारों तरफ से जो लूप है पॉड को वो रिपेल करेगी और वो उसमें बिना पहियों के ही तैरने लगेगी। तो इसी सिद्धांत को अपनाकर इसमें हम फ्रिक्शन जो फोर्स है उसको इलेमिनेट कर देते हैं। अब आप कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स तो इलेमिनेट हो गया, तो फिर ड्रैग कहाँ गया? तो जनाब, उसके लिए ड्रैग को पॉड के अंदर से ख़त्म करने के लिए इसमें क्या रहता है, इसमें ना वैक्यूम पंप्स लगे होते हैं। ठीक है, पॉड पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें वैक्यूम पंप्स लगे हुए हैं और वो पंप क्या करते हैं, पॉड के अंदर की सारी एयर को सक करके ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या है, जब पॉड के अंदर हवा नहीं होती तो ड्रैग ख़त्म हो जाता है और ट्रेन आराम से आगे बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब ये वैक्यूम पंप्स पॉड के अंदर से एयर को ड्रेन करते हैं तो केवल 90% एयर को ही ड्रेन करते हैं और 10% एयर उसके अंदर फिर भी छोड़ दी जाती है। और वो 10% एयर किस काम आती है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हाइपरलूप जो ट्रेन है उसमें पॉड के बिल्कुल आगे एक बहुत ही बड़ा विशालकाय फैन लगा होता है। तो आप कह रहे होंगे कि भाई इस सब फैन की क्या जरूरत है? तो देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो वैक्यूम पंप्स हैं वो और लूप के अंदर से और 90% एयर को ड्रेन कर देते हैं वैक्यूम पंप्स और केवल 10% एयर को छोड़ देते हैं। तो जनाब, ये 10% एयर ही है जो जब हमें इसको पॉड को लूप के अंदर रोकना होता है उसको रोकने में मदद करती है। क्योंकि जब आप समझिए, जब इसमें पॉड लूप के अंदर चल रही है तो उसमें व्हील्स तो है नहीं, पहिए तो है नहीं है, तो जब आपको उसको रोकना होगा तो आप कैसे रोकेंगे? ठीक है, तो उसी को रोकने में हमें ये फैन मदद करता है। तो ये फैन मदद कैसे करता है? तो देखिए, जब पॉड लूप के अंदर चलती है तो ये फैन एक जैसे डायरेक्शन में घूमता है, सपोज क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये क्या करता है, जो बची हुई 10% एयर है उसको भी ये पीछे की तरफ फेंक देता है और उससे पॉड को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
और जब हमें बोर्ड को किसी पर्टिकुलर स्टेशन के आने पर रोकना होता है तो इसी फैन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टा घुमाते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें ड्रैग पैदा होता है और ड्रैग पैदा होने से ये जो पॉड है उसे हमें रोकने में मदद मिलती है। तो दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि भाई ये पॉड और लूप कैसे दिखते हैं, जब ये लूप बिछ जाती है उसके अंदर पॉड चलती है कैसे दिखती है। आप कहेंगे भाई हम तो देखने गए नहीं, आप ही समझाइए कि कैसे दिखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो और ये पाइप हैं, इन पाइप में और ये जो एक ट्रेन नुमा आकृति है, तो जो पाइप है उसे हम लूप के नाम से जानते हैं और जो ये और ट्रेन जैसी आकृति है इसे हम पॉड के नाम से जानते हैं और इसी कंबाइंड स्ट्रक्चर को हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब इतना कुछ टेक्निकल समझने के बाद में आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर भाई ये समझाइए हम कब तक इस हाइपरलूप ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो देखिए हाइपरलूप ट्रेन की हम बात करें तो इस दिशा में बहुत ही उन्नति के साथ काम चल रहा है, ठीक है, और हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को हम तक पहुंचाने का सारा जो श्रेय जाता है वो वर्जिन ग्रुप के जो फाउंडर हैं सर रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रैंसन, उनको जाता है। ये वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं और जिन्होंने 1970 में वर्जिन ग्रुप की स्थापना की थी और वर्जिन ग्रुप का ही एक यूनिट है जिसे हम वर्जिन हाइपरलूप वन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने और इस वर्जिन और हाइपरलूप वन ट्रेन का आविष्कार किया है और इसकी जो पहली और मानव का जो टेस्ट ट्रायल है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है। तो देखिए 8 नवंबर 2020 ये वो तारीख थी जब वर्जिन हाइपरलूप ने और अपनी हाइपरलूप वन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये परीक्षण कहाँ हुआ, ये अमेरिका के लास वेगास में हुआ, जिसमें वर्जिन हाइपरलूप ने अपने कंपनी के ही दो एम्प्लॉइज को इस हाइपरलूप वन और पॉड में बिठाकर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुँचाया और ये जो टेस्ट था पूरी तरह सफल रहा और दोनों यात्री भी इस टेस्ट के दौरान पूरी तरह सफल रहे। अब इस टेस्ट को कमर्शियली लोगों तक और पहुंचाने की बहुत जल्द उम्मीद है और ये 2023-2024 तक ये US में और लोगों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन भारत में आने के और क्या अवसर हैं। तो देखिए फरवरी 2018 में ऑलरेडी इस चीज़ पर OMOU हो चुका है, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को भारत में लाने का OMOU हो चुका है। तो 2018 फरवरी में जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने हाइपरलूप वन कंपनी के साथ में करार किया था और वो करार जो है और जो और हमारा मेट्रो का एक डिवीज़न है जिसे हम और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर पुणे मेट्रो रीजन के नाम से जानते हैं, उन्होंने हाइपरलूप वन के साथ एक करार किया। उस करार के अकॉर्डिंग मुंबई से पुणे के बीच में हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को चालू करना था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है ना, इस पर ऑलरेडी सारे जो इनिशियल मतलब जो साइट टेस्टिंग्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें हो गई थी और इस प्रोजेक्ट पर काम चालू भी हुआ था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रही, पर उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि जैसे और उद्धव ठाकरे जी की सरकार आ गई तो उन्होंने अपनी सरकार आने के बाद में इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये ऑलरेडी बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट है, तो पहले इस प्रोजेक्ट को मतलब कहीं पर और इस्टेब्लिश किया जाए, उसके बाद में इसके सफलतापूर्वक इस्टेब्लिश होने पर हम इसको भारत में भी लगा देंगे। अब उसके बाद में जैसा कि अभी आजकल महाराष्ट्र में फिर से और बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अभी हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये किस स्टेज में है, तो देखिए अभी जो इसका फर्स्ट फेज है वो 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और उसके बाद में जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन है वो 2028 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने वाले में दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको मुंबई से पुणे जाने में मात्र 30 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों आज आपने एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ये विज्ञान है, तो विज्ञान में हमेशा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कोई चीज़ अच्छी भी होती है तो कोई चीज़ बुरी भी होती है। तो आइए समझते हैं कि हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो देखिए हम एडवांटेजेस में बात करें
तो जैसा कि इस ट्रेन में पहिए नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, कोई ड्रैग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें क्या है, कोई तेल का खर्चा नहीं है। तो इसमें जिस तरह का हमको हवाई जहाज को चलाने में, ट्रेन को चलाने में और बसों को चलाने में जो फ्यूल के हाई एक्सपेंसेस होते हैं, तो उस तरह का कोई भी इसमें खर्चा नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों के ना होने की वजह से इसमें हम बहुत ही कम किराए में और बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और जैसा कि हमने स्पीड की आपसे बात करी, घर्षण के ना होने की वजह से, ड्रैग की ना होने की वजह से इसकी स्पीड तो माशाल्लाह 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, जस्ट यू कांट बिलीव, इसकी जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जैसा कि ये जो ट्रेन है जिसको चलने में किसी और फ्यूल का यूज़ नहीं होना, ये नॉर्मल आप बात करें, देखिए जैसे हम और पॉड बिछाएंगे, लूप बिछाएंगे, लूप के अंदर पॉड चलेगी, उसके ऊपर हम सोलर पैनल्स लगा के भी इस ट्रेन को चला सकते हैं। तो इससे कहना पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, ये एक तरीके से जीरो एमिशन का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उस इतनी ज़्यादा हाई स्पीड होने के बाद भी ये पूरी तरह से सेफ है, और इसमें जो एक्सीडेंट्स की जो संभावना है बहुत ही ना के बराबर है। तो ये इसकी कुछ खूबियाँ हैं। और अगर हम बात करें कि जो इससे क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो आइए उस पर भी एक बार बात करते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो सबसे जो मेन मुद्दा है वो है इसका इनिशियल कमीशनिंग कॉस्ट। तो जैसा कि इसमें आपको हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन को चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह और लूप का जाल बिछाना है, तो देखिए लूप का जाल बिछाने के लिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ियां हैं, समंदर है, आप वहां लूप बिछा दें। आपको वहां पर कहना जो भी पहाड़ हैं, उस तरह की चीज़ें हैं और फॉरेस्ट हैं, तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, पहाड़ों को समतल करना पड़ेगा, तभी आप लूप को ले जा सकते हैं। क्योंकि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में अगर पॉड लूप के अंदर चलनी है, तो वो ऐसे जिगजैग थोड़ी ना चलेगी, वो एक लीनियर डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन और इन्वॉल्व है जो कि हमें लूप को बिछाने के समय लगेगा। हालांकि हम एक बार ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद में लूप के आसपास फिर से और पेड़ लगा सकते हैं और उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो इसमें चीज़ है, तो जैसा कि आप हवाई जहाज में जाते होंगे तो क्या है, हमने और हमारे कान एक तरह से सुन्न हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, केवल प्रेशराइज रहता है, इस वजह से बड़ी हाइट पे और आपके कान सुन्न हो जाते हैं। वो इस चीज़ आपको इसमें भी होगी, क्योंकि क्या है, ऑलरेडी वैक्यूम पंप्स जो होते हैं सारा प्रेशर निकाल लेते हैं, बट हमारी ब्रीदिंग वगैरह के लिए पॉड के अंदर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है। तो जो लोग इस तरह के ट्रेवल सिकनेस के आदि हैं, तो उनको उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अगला जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है कि इसमें एक बार में एक ही पॉड लूप के अंदर ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे अगर दो ही टर्मिनल हैं, एक पहला टर्मिनल हो गया मुंबई, दूसरा हो गया आपका पुणे, तो अगर समझिए मुंबई से कोई पॉड चली पुणे के लिए, तो जब तक वो 30 मिनट में पुणे नहीं पहुंच जाएगी, तब तक हम उसमें दूसरी पॉड को नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है अर्थक्वेक। और अगर जैसे हमने इसको जो प्रोजेक्ट को ऐसी जगह पर लगाया है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत बनी रहती है, जैसा कि जापान, ठीक है, जैसा कि हमारा और जैसे गुजरात में भुज में भूकंप आया था, दिल्ली का जो एरिया, ये सारी चीज़ें क्या है ना, और अर्थक्वेक वाले और हाई प्रॉम्प्ट जोन में आती हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, अर्थक्वेक आने पे इसका जो और लूप है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब डिसबैलेंस हो सकती हैं। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है तो वो फिर क्या है ना, उससे एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि हमें ऐसे सेफ्टी फीचर्स लाने होंगे कि अर्थक्वेक आने पर भी हम अपने पॉड को सुरक्षित बनाएं, और जो उसमें लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको उन ट्रेवलिंग के दौरान किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको आज का ये हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेनिंग एंड ब्लॉग्स बाय मोहित सिंह। और मेरा आपसे ये वादा है कि इसी तरह के टेक्निकल टॉपिक्स, नई नई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और जो आने वाली है, मैं आपको इसी तरह से बताता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ब्लॉग्स बाई मोहित सिंह, और बेल बटन हिट करना ना भूलें, क्योंकि जिससे क्या है, जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसके बारे में सूचना मिले। तो इसी के साथ दोस्तों, आपसे इजाज़त देता हूँ, और जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।